आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी। हम इसे दूध से बनाएंगे। बनाना बहुत ही इजी है। हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चूल्हे पर एक पैन रख दीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा 1/2 लीटर दूध। यहाँ पर मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ। बस दूध और चीनी से ये रेसिपी बन जाएगी। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं डालूंगी, मैं आगे बताऊंगी इसे। 1/2 लीटर दूध मतलब 2 कप दूध है। 1 कप 250 मिलीलीटर है। हमें बस दूध में चीनी मिलाना है और इसे कुक करते जाना है। इस प्रोसेस को करने में हमें 10 से 12 मिनट लगेगा। बस आप फ्लेम को मीडियम कीजिए और इसे कुक करते रहिए और बीच बीच में चलाते रहिए। अभी यहाँ पर 8 से 9 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं दूध की टेक्सचर। हम इसे थोड़ा चेक करेंगे हाथ से। हम जैसे एक तरह की चाशनी बनाते हैं उसी तरह हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरह की चाशनी बन चुकी है। और एक तीसरा इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं, यह है खाने की सोडा। ये हम 2 चुटकी डालेंगे। यही है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। सोडा डालने के बाद इस तरह से झाग जैसे नज़र आएगा, बट आप घबराइएगा मत, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद आप चूल्हे को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ी भी हो चुकी है। मेरे चैनल में मिल्क पाउडर से कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आप इसे केक, आइसक्रीम, खीर या फिर किसी भी प्रकार के डिजर्ट में यूज कर सकते हैं। देखिए ठंडा होने के बाद एक इतनी गाढ़ी हो गई है। आपको मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास दूध है तो आप इसमें बना सकते हैं। स्वाद में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम टू सेम टेस्ट है इसकी। इससे रिलेटेड बहुत सारे रेसिपीज़ मैं आगे शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।